डिस्क्लेमर, शिवचंगा का मालिक डज नॉट सपोर्ट एनिमल क्रुएल्टी और इलीगल एनिमल ट्रेड्स इन एनी वे। नो फिश और एनिमल वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो। तो कैसे हो मेरे सारे फिश लवर्स भाई, उम्मीद करता हूँ इतना ज़्यादा गर्मी में सब लोग ठीक ठाक होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो पे मैं 24 कैरेट गोल्ड गप्पी का सेकंड लॉट के ऊपर बात करूंगा। सेकंड लॉट के ऊपर क्यों सोच रहे हो ना, क्योंकि पहला लॉट का तो बहुत बार वीडियो में दिखा चुका हूं, उसमें 70 पीस के आसपास मेरे को फ्राई मिला था। अभी जो सेकंड लॉट मेरे पास बड़ा हो रहा है उसमें करीब करीब 250 से भी ज़्यादा फ्राई मेरे पास है, मतलब 250 से लेकर 300 के आसपास हो जाएगा। बाकी वीडियो में आगे दोस्तों बेटा फिश का गर्मी के टाइम पे ब्रीडिंग में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्यूशन दूंगा, वीडियो को देख लेना। तो जो लोग बेटा फिश ब्रीडिंग करवाने वाले हो उन लोगों का हेल्प हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों मेनली इस वीडियो में दिखाऊंगा ये जो बड़ा सा टैंक है उसमें किस तरीके से मैं पानी को सेटल कर रहा हूँ, पानी में कौन कौन सा मेडिसिन वगैरह डाल रहा हूँ जिसके कारण ये मछली नया पानी में जाने के बाद कांपना शुरू नहीं करेगा, वो सब दिखाऊंगा। और मेरा जो रेड FCCP हेलबॉय बेटा का PR था वो फिर से 10 दिन के अंदर ब्रीडिंग कर लिया है, क्योंकि दोस्तों इसको मैं हाई प्रोटीन वाला लाइव फूड खिला रहा हूँ और मेल को अलग लाइव फूड खिला रहा हूँ, फीमेल को अलग लाइव फूड खिला रहा हूँ। तो दोनों को कौन कौन सा लाइव फूड खिला रहा हूँ वो आप लोगों को वीडियो में आगे बता दूंगा। बाकी ये देखो ये लेयर क्यों पड़ा है पता है दोस्तों, जिस जिसको नहीं पता है वीडियो को पूरा देखते रहो। ये लेयर ही दोस्तों एक बढ़िया चीज़ है लाइव फूड के तौर पे, ठीक है। ये लेयर खिलाता नहीं हूँ, लेयर को लाइव फूड को खिलाता हूँ, लाइव फूड को मछली को खिलाता हूँ। आप लोगों को आगे सब कुछ समझा दूंगा, कॉन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी वीडियो में आगे आप लोगों को एल्बिनो फुल रेड का भी फ्राई दिखाऊंगा, चिली मोज़ेक डम्बवेयर का भी बहुत सारा फ्राई बड़ा हो गया है वो भी दिखाऊंगा। और फिलहाल दोस्तों ये जो 24 कैरेट गोल्ड कप्पी का फ्राई है उसको मैं किस तरीके से टेम्परेचर सेम करवा के और एक्लिमेशन करवा के छोड़ रहा हूँ वो दिखाऊंगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अलग है, पानी का पैरामीटर भी अलग है। तो पानी का पैरामीटर किस तरीके से मैं सेम करवा के मछली को छोड़ रहा हूँ वो दिखाऊंगा। ये वाला पार्ट दोस्तों आप लोग मिस मत करना, क्योंकि बहुत टाइम पे आप लोगों के साथ होता है ना कि मछली दूसरा पानी में गया, 3-4 दिन के बाद मछली कांपना शुरू कर दिया, खाना बंद करके मर गया, ये सब इसी प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो सब कुछ सॉल्यूशन मैं दे दूंगा वीडियो में, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहो। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से एक लाइक कर देना, 100 लाइक का टारगेट है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, गप्पी फिश रिलेटेड वीडियो तो आता ही है मगर मेनली मेरा वीडियो बेटा फिश के ऊपर बेस्ड होता है। तो वीडियो को पूरा देखते रहो, बेटा फिश रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो दूंगा ही। तो चलिए दोस्तों और ना वक्त गवाते हुए वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। और हाँ एक बात भाई, मैं तो बोलना ही भूल गया हूँ, अभी से डेली वीडियो आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था भाई, घर में आके लोग पूछ रहे हैं कि शरीर ठीक है या नहीं, कुछ लोगों को लगा था कि गर्मी के कारण मेरा शरीर खराब हो गया है, ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई। वीडियो शुरू करने से पहले बोल देता हूँ, आप लोग उतना दूर से मेरे को मतलब मेरा जानकारी लेने के लिए आते हो तो भाई मैं पूरा फिट एंड फाइन हूँ। फार्म में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ऊपर से इतना गर्मी के कारण वीडियो भी बनाने का मन नहीं करता है, इतना गर्मी में ना पंखा वगैरह ऑफ करके मेरे को वॉइस देना पड़ता है वीडियो में, तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं रहा था। तो चलो भाई जो भी वीडियो बनाया हूँ दिखाऊंगा, ठीक है। बकबक ना करते हुए वीडियो को शुरू कर देता हूँ। तो आप में से जो सब भाई लोग मेरे को पूछ रहे थे कि भाई कब से शिपमेंट स्टार्ट होगा, उन लोगों के लिए मेरे को एक सवाल है आप लोगों से, ठीक है। आप लोग कहाँ से हो और आप लोगों के वहाँ का टेम्परेचर क्या है मेरे को जरूर से कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो, क्योंकि न्यूज़ चैनल को अभी उल्टा सीधा टेम्परेचर वो लोग बोल रहा है, उन लोगों को बस इलेक्शन का न्यूज़ दिखाने की पड़ी है। तो आप लोग जो कमेंट करोगे वो सब कमेंट देख के ही मैं अपना नया शिपमेंट स्टार्ट करूँगा। फिलहाल तो मेरा शिपमेंट ऑफ है, कुछ बॉक्स रिटर्न आया था, ठीक है, 2 बॉक्स रिटर्न आया था, राखी दीदी का और एक था आपका सुरजीत दादा का, तो दोनों का फिर से भेजूंगा। मगर हाँ टेम्परेचर कहाँ पे कितना है मेरे को प्लीज़ आप लोग लिख दो। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे ये जो टैंक दिखा रहा हूँ ये टैंक को मैंने 5 से 7 दिन पहले से रेडी करके रखा है और ये टैंक के ऊपर मैं पूरा ढक दिया था। मैं हर एक टैंक को ढक के रखता हूँ, इससे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि दादा ऑक्सीजन कैसे मिलता है मछली को, तो देखो भाई ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है, साइड से हवा वगैरह पास हो सकता है और अगर पूरा ढक के भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मछली को जब पैकेट में भेजता हूँ तो भी तो वो ढक के रखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके बारे में। फिलहाल ये जो आप देख रहे हो डाफनिया पकड़ने वाला नेट से मैं ऊपर का जो व्हाइट कलर का लेयर आया था, जो व्हाइट सब्सट्रेट आया था, वो सब कुछ उठा के फेंक दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे आयरन बहुत ज़्यादा है पानी में जिसके कारण पानी के ऊपर एक व्हाइट कलर का लेयर हो जाता है, तो वो मैं लेयर हटा दिया हूँ और पानी में कोई स्मेल वगैरह नहीं है और ये प्लास्टिक से ज़्यादा कलर छूट नहीं रहा है इस बार, तो इसमें मैं थोड़ा सा रॉक सॉल्ट भी ऐड करने वाला हूँ। कभी कभी दोस्तों ये प्लास्टिक से ना जो पानी में डालता हूँ वो पानी में कलर आ जाता है,
मतलब ये प्लास्टिक थोड़ा सा पिंकिश कलर में है ना, तो पानी को भी थोड़ा सा कलर बदल देता है। और आप लोग मेरे को सवाल करते हो कि भाई आपने कौन सा मेडिसिन यूज़ किया है, हम लोगों को बता नहीं रहे हो। तो ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, ये प्लास्टिक का रंग थोड़ा सा निकलता है, मगर इस बार नहीं निकला है। 7 दिन हो चुका है फिर भी प्लास्टिक का जो कलर है वो निकला नहीं है। बाकी रॉक सॉल्ट मैंने 100 लीटर का पानी है यहाँ पे, अंदाजे से बता रहा हूँ, 100 लीटर भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। और रॉक सॉल्ट मैंने यहाँ पे 15 से 20 ग्राम के आसपास यूज़ किया है। मेरा कोई मेजरमेंट नहीं है, अंदाजे से मैं डाल देता हूँ। फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे ट्यूबफ्लेक्स स्वाम है और यहाँ पे डाफनिया है। डाफनिया ये मैंने कल्चर नहीं किया है, ये मैं पकड़ के लाया हूँ। पकड़ के घर में लाने के बाद मैं ये डाफनिया को करीब करीब समझो 1 घंटे के लिए साफ पानी पर रखता हूँ, उसके बाद फीडिंग करता हूँ। क्योंकि ये डाफनिया के पेट में बहुत ज़्यादा गंदगी होता है, जिसके कारण अगर डायरेक्ट फीडिंग कर दोगे तो वो कीचड़ वगैरह मछली के पेट में भी जा सकता है और मछली का उसके बाद पेट दर्द कर सकता है। तो ये वाला जो टैंक देख रहे हो, यही टैंक पे मेरा जितना सारा 24 कैरेट गोल्ड गप्पी का सेकंड लॉट से फ्राई मिला था वो सब फ्राई यहाँ पे है। टोटल यहाँ पे 300 के आसपास फ्राई है, मगर पानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 लीटर के आसपास है। तो टैंक बहुत ही छोटा पड़ रहा है इतना सारा मछलियों के लिए। जब ये छोटा था इन लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा था, मगर अभी ये बड़ा हो रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पे अगर रखूँगा तो इन लोगों का ग्रोथ उतना अच्छे से आएगा नहीं और ये मछली में बीमारी भी लग सकता है। तो इसीलिए मैं इसको बड़ा टैंक पर शिफ्ट कर रहा हूँ। और बड़ा टैंक पर शिफ्ट करने के बाद 1 महीने के बाद मैं इनमें से मछली को हाफ ऑफ करके 2 अलग अलग टैंक पर रख दूँगा, ताकि ये मछली और भी फास्ट ग्रोथ हो। मगर आप लोगों के पास अगर बड़ा टैंक नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि नीचे से जितना भी गंदगी होगा मछली का वो सब साइफन करके हर दिन निकाल देना, ठीक है। उससे आप लोग बहुत छोटे जगह में बहुत सारा मछली कल्चर कर सकते हो, मगर हाँ उसमें एयर पंप लगाना बहुत ज़रूरी है। मेरा आप लोग टैंक देखो, किसी भी टैंक पे मैंने एयर पंप नहीं लगाया है। इसका कारण एक ही है कि मैं टैंक पे मछली का क्वांटिटी ठीक ठाक रखता हूँ, किसी टैंक पे बहुत ज़्यादा मछली में भर नहीं देता हूँ। आप लोगों को देख के शायद लग सकता है कि बहुत ज़्यादा मछली एक एक टैंक पे है, मगर उस टैंक पे ज़्यादा मछली नहीं है। क्वांटिटी मतलब टैंक के साइज़ के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर, ये देखो ये टैंक के ऊपर ही बात कर रहा था। इसमें बहुत सारा मछली है, मगर गहराई भी ज़्यादा है पानी का, जिसके कारण मछली में दिक्कत नहीं हो रहा है। और यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड गप्पी का 3rd लॉट का फ्राई है, जिसमें करीब करीब 300 से ज़्यादा फ्राई है। तो वो भी जब बड़ा होगा उसका भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो गप्पीज़ के सभी फ्राई को उठाने के बाद ये बाल्टी में थोड़ा सा मैं नया पानी डाल रहा हूँ। नया पानी मतलब टैंक का जो नया पानी है उसकी बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में पानी तो 5 से 7 दिन पुराना है। तो ये पानी को ऐड करने के पीछे रीज़न एक ही है, ये जो बाल्टी का पानी मैं पुराना टैंक से उठाया हूँ, वहाँ का पानी का जो pH हार्डनेस है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, और यहाँ का पानी का pH हार्डनेस वगैरह थोड़ा सा अलग हो सकता है। टेम्परेचर तो मैं वैसे भी एडजस्ट करवा दूंगा पानी में, ये जो बाल्टी है थोड़ा सा डिप करके रख दूंगा तो टेम्परेचर सेम हो जाएगा, मगर pH और जो हार्डनेस है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, तो मछली में बीमारी जल्दी पकड़ जाएगा। तो इसीलिए पुराना टैंक से थोड़ा सा पानी में यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ और नया टैंक से भी थोड़ा सा पानी ऐड किया हूँ। मतलब 50% नया पानी है जहाँ पे मछली जाने वाला है और 50% पुराना पानी है जहाँ से मछली आया है। तो दोनों का पानी में मछली रहेगा तो मछली अपने आप एडजस्ट कर लेगा। अभी जो सब लोग मेरे से लाइव फूड के तौर पर डाफनिया मोइना ये सब कल्चर मांग रहे हो, उन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, मेरे भाई मेरे पास अवेलेबल है फिलहाल, ठीक है, मगर ट्यूबफ्लेक्स स्वाम में भेज नहीं पाऊँगा, ट्यूबफ्लेक्स स्वाम मर जाएगा। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग देखो यहाँ पे धूप जब आता है ना, यहाँ पे 42-41 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो इतना गर्मी में अगर आप लोगों को मछली भेजूंगा तो वो ही मर जाएगा, डाफनिया मोइना तो वैसे भी मर जाएगा। थोड़ा सा टेम्परेचर कम होने दो, उसके बाद सब लोगों को मछली वगैरह भेजूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी फ़िलहाल ये सब मछली को मैं छोड़ दे रहा हूँ, 10 मिनट तक मैंने पानी में रख दिया था उसी बाल्टी में, उसके बाद मछली को छोड़ा हूँ। मछली देखो पूरे एक्टिवली चारों तरफ घूम रहा है, मछली ऐसा नहीं है कि नीचे जाके बैठ जा रहा है या फिर एकदम झुंड बना के एकदम एक कोने पे छुपा हुआ है, चारों तरफ ये लोग घूम रहा है। ये दोस्तों एक साइन है कि मछली ये पानी ले लिया है, मतलब पानी में सूट हो गया है, ये मछली को कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी दोस्तों मेरे को यहाँ पे 3-4 दिन तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा। नया पानी में जाने के बाद मछलियाँ तुरंत से बीमार नहीं पड़ता है, वो 3-4 दिन के बाद खाना अचानक से छोड़ देता है और पतला होकर मर जाता है। तो ये सब थोड़ा सा नज़र रखना पड़ता है। फिलहाल तो मैं ये मछली को छोड़ दे रहा हूँ और थोड़ा बहुत मछली बाल्टी में और भी है उसको भी छोड़ देता हूँ। और हाँ, ये पानी जब मैं रेडी किया था, ये जो नया टैंक पे छोड़ रहा हूँ,
वो टैंक पे मैंने पुराना टैंक से जिस टैंक पे ये सब मछली था उस टैंक से एक जो कंटेनर है 1 लीटर पानी डाल दिया था शुरू में ही मतलब 1 हफ्ता पहले ही एक कंटेनर पानी में डाल दिया था ताकि इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो हो जाए। अब जिन लोगों को बेनिफिशियल बैक्टीरिया का मतलब समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को उतना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। नया टैंक जब भी आप लोग सेटअप करोगे पुराना टैंक जिसमें मछली कोई बीमार वगैरह नहीं है उस टैंक से थोड़ा सा पानी लेके नया टैंक पे डाल दो, पानी ऑटोमेटिक आपके मछली के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देगा। अभी दोस्तों बात करते हैं वो सब भाई लोगों के लिए जो सब भाई लोग इतना गर्मी में बेटा फिश को ब्रीडिंग करवाने के बारे में सोच रहे हो, तो उन लोगों के लिए मेरा एक सीधा आंसर है इतना गर्मी में आप लोग बेटा फिश को ब्रीडिंग मत करो। आप लोगों का जो फीमेल बेटा है वो अंडा नहीं छोड़ेगा। ऑलरेडी मैं दोस्तों इस टाइम पे ब्रीडिंग करवाया हूँ लगातार दोस्तों 3 साल मेरा इस टाइम पे ब्रीडिंग करता ही नहीं है। अभी भी देखो दोस्तों मैंने अवतार का एक फीमेल को कैंडी के मेल के साथ बैठाया हूँ फीमेल अंडा छोड़ ही नहीं रहा है ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखा है मैंने लास्ट जो 3 साल गया है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा है जिसके कारण इतना गर्मी में फीमेल बेटा अंडा नहीं छोड़ता है। तो थोड़ा सा बारिश वगैरह होने दो उसके बाद ही आप लोग ब्रीडिंग पे बैठाना। फिलहाल दोस्तों ये जो टैंक आप लोग देख रहे हो ये टैंक पे मैंने आलमंड लिप जो है वो देखे रखा था 3 दिन हो चुका है और इसके ऊपर मैं अपना एस लिख रहा था मेरा नाम का फास्ट लेटर। फिलहाल ये जो आलमंड लिप का लेयर आया है ये लेयर आप लोग श्रिम्प्स को खिला सकते हो, श्रिम्प्स बहुत बढ़िया से ये लेयर खाता है, कुछ भी नहीं है, इसको आप लोग डायरेक्ट श्रिम्प्स के टैंक पर दे देना। मगर मैं तो अभी भाई श्रिम्प्स के टैंक पर जा नहीं सकता, उधर जो है वो कुकिंग वगैरह हो रहा है, मतलब मेरा माँ जो है भाई कुकिंग कर रहा है तो जा नहीं सकता उधर, तो मैंने उसको फेंक दिया। और ये जो लेयर है वो आप लोग डाफनिया अगर कल्चर करते हो मॉइना कल्चर करते हो तो उसमें भी आप लोग दे सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों ये जो मैं अभी उठा रहा हूँ ये पूरा एकदम लाल पानी इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ बेटा फिश ब्रीडिंग करवाने के लिए। तो पूरा ये लाल पानी मैं डायरेक्ट दूंगा नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं पूरा साफ़ पानी भी ऐड करूँगा। साफ़ पानी मतलब जो दारू बनाता है ना पैक बनाता है थोड़ा सा दारू डालता है थोड़ा सा पानी डालता है, मैं ड्रिंकिंग करता नहीं हूँ, मैंने मूवी में देखा है ऐसे करते हुए ठीक है। तो सेम उसी तरीके का प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों ये पानी भी पुराना है, ये पानी 1 हफ्ता के ज़्यादा पुराना हो चुका है और पानी के ऊपर देखो कितना ज़्यादा आयरन है, मगर नीचे का पानी पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मछली के लिए एकदम बढ़िया हो चुका है। मैं हमेशा दोस्तों मेरे यहाँ का जो पानी है उसको मैं हमेशा 5 से 7 दिन पुराना करने के बाद ही मछली को देता हूँ। और ये पानी को मैंने थोड़ा सा मिला दिया, ये देखो कलर देखो दारू के जैसा पूरा कलर हो चुका है और पानी पूरा एकदम मछली ब्रीडिंग के लिए परफेक्ट हो चुका है। और ये जो गमला है यही गमले पे मैं अभी मछली को ब्रीडिंग करूँगा। तो ब्रीडिंग किसको कराऊँगा पता है दोस्तों? मेरा रेड FCC हेलवाई को। जी हाँ दोस्तों आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में देख लिया होगा कि ये रेड हेलवाई ब्रीडिंग किया, फिर से दोस्तों मैं ब्रीडिंग करवाने वाला हूँ क्योंकि फीमेल देखो दोस्तों फीमेल फिर से लोड हो चुका है। तो ये फीमेल बहुत ही बढ़िया फीमेल है, अभी इनका उम्र 5 महीने के आसपास है। जी हाँ दोस्तों 5 महीने के आसपास है। मैं आप लोगों को वीडियो में बोलता हूँ ना मछली को हमेशा छोटा उम्र से ब्रीडिंग करवाओ ताकि ज़्यादा ब्रीडिंग हो ज़्यादा सक्सेस रेट मिले। अभी आप लोग देख भी लो, मैं अभी आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि अगर ब्रीडिंग करवाने वाले हो मछली को हमेशा कोशिश करो मछली का उम्र 5 महीने से लेकर 8 महीने तक हो ठीक है, 6 महीने से लेकर 8 महीना हो तो भी बढ़िया होगा। मगर फिलहाल तो आप लोग देखो भाई मेरा मछली 4.5 महीने का था मैं उस टाइम पे लाया था, उसके बाद से ब्रीडिंग करवा रहा हूँ। अभी मेरे पास 2 बार बच्चा दे भी दिया है, मतलब अंडा दे के बच्चा हैच भी कर दिया है। 3rd टाइम फिर से मैं ब्रीडिंग करवाने के लिए बैठाया हूँ, फिर से मेरे को पता है बच्चा दे देगा हैच हो जाएगा। मैं 10 से 12 दिन तक इनको रेस्ट दे रहा हूँ, फिर से मैं ब्रीडिंग करवा रहा हूँ, मगर 3 दिन छोड़ छोड़ के भी ये लोड होता है, फिर भी मैं ब्रीडिंग बैठा था नहीं हूँ। तो डाफनिया को मैंने साफ पानी पे रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, तो 1 घंटे के बाद अभी ये सब मछलियों को मैं खिलाने के लिए यूज़ करूँगा। और किस तरीके से मैं डाफनिया साफ़ करता हूँ देखो, नीचे एक मैं गमला दे देता हूँ उसके ऊपर डाफनिया छानने का नेट देता हूँ, उसके ऊपर एक पक्षी पकड़ने का नेट देता हूँ। यहाँ दोस्तों ये वाला जो नेट आप लोग देख रहे हो ना वो पक्षी वगैरह पकड़ने के लिए है, और उसके ऊपर मैं ये जो आलू का बोरी होता है ना उसका नेट दे रहा हूँ।
इससे होगा क्या दोस्तों, कोई भी छोटा कीड़ा मकोड़ा होगा या फिर जो ड्रैगन फ्लाई का लार्वा होगा वो सब कुछ इससे नीचे चला जाएगा। अभी देखो मैंने पूरा जो डाफनिया है वो छान लिया है और इसमें किसी भी तरीके का बड़ा कीड़ा मकोड़ा कुछ भी नहीं है। इसको मैं ना जो बेटा फिश का एकदम छोटा छोटा फ्राई है उसको खिलाऊंगा, तो इसलिए फिर से एक बार मैं वॉश कर रहा हूँ। नॉर्मली गप्पीस को खिलाना होता है तो मैं एक बार ही छान के मैं खिला देता हूँ, मगर ये जो बेटा फिश को एकदम छोटा छोटा फ्राई को खिलाने वाला हूँ तो एक बार मैं फिर से इनको यहाँ पर रख रहा हूँ। फिर से मैं इनको आधा घंटे के लिए एकदम पूरा साफ करके रखने वाला हूँ, देन खिलाऊंगा। क्योंकि बेटा फिश का फ्राई के पेट में मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ जो डाफनिया का एकदम प्योर प्रोटीन जाए, सिर्फ और सिर्फ उसका ही प्रोटीन जाए, कोई भी तरीके का कीचड़ या फिर तालाब में जो एलगी वगैरह उल्टा सीधा होता है वो सब ना जाए। उससे ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जिसके कारण मैं पूरा एकदम डाफनिया के पेट पूरा साफ करके उन लोगों को खिला रहा हूँ। मैं गप्पी के लिए इतना ज़्यादा झमेला करता नहीं हूँ, गप्पी को आधा एक घंटा साफ पानी पर रखता हूँ खिलाने के लिए। डाफनिया आधा एक घंटा साफ पानी पर रखने के बाद वो डाफनिया को गप्पी को खाने के लिए दे देता हूँ। बस छान लेता हूँ कि कोई बड़ा साइज का कीड़ा ना जाए, मगर बेटा फ्राई के लिए इतना ज़्यादा मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को रीज़न भी बता दिया हूँ। फिलहाल जो ट्यूबफ्लेक्स वाम है उसको भी मैं खिलाऊंगा। ट्यूबफ्लेक्स वाम जो मैं खिलाने वाला हूँ मछलियों को वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। बेटा फिश को खिलाने वाला हूँ और ये जो बड़ा सा डाम देख रहे हो ये सिर्फ ट्यूबफ्लेक्स वाम के लिए है, हमेशा पानी वहाँ से गिरता रहता है। तो यहाँ पे देखो इन लोगों का भी भूख भी लग चुका है। इन लोगों को मैंने एक घंटे तक ऐसे ही छोड़ दिया था, खाना वाना नहीं दिया था, ये लोग अपना टैंक को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। अभी इन लोगों को मैं खाना दूंगा तो देखो कितना अच्छे से खा रहा है। मछली में किसी भी तरीके का डर नहीं है, मछली को किसी भी तरीके का वीकनेस नहीं है, मछली एकदम एक्टिव है। देखो खाना दिया मैंने टोकरी में, तुरंत मछली ने खाना शुरू कर दिया। और इन लोगों को मैं ये ट्यूबफ्लेक्स वाम दिया, अभी दो तीन घंटे के बाद थोड़ा सा डाफनिया भी दूंगा। बाकी कल के वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा दोस्तों किस तरीके से मैंने ये सब साफ सफाई किया। टैंक पे बहुत ज़्यादा काम हुआ था तो टैंक में क्या कुछ मैंने साफ सफाई किया वो सब कुछ मैं अपने व्लॉग चैनल पर अपलोड करूँगा। तो जो लोगों को भी मेरा व्लॉग चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है, व्लॉग चैनल जाकर सब्सक्राइब कर लेना। फास्ट कमेंट पे मैं लिंक दे रहा हूँ, ये जो साफ़ सफाई वाला है टैंक वगैरह साफ किया था वो सब कुछ कल आएगा। और हाँ, बेटा फिश का पानी भी चेंज किया है मैंने, साथ से बेटा फिश का वाटर चेंज का वीडियो मैं पहले अपलोड कर दूँ। अभी आप लोग कॉमेंट करो ठीक है, कौन सा वाला वीडियो सबसे पहले मैं अपलोड करूँ, ये जो साफ़ सफाई हो रहा है पूरा फार्म का वो, या फिर बेटा फिश का जो वाटर चेंज का, लिखो कमेंट में। बाकी ये वाले वीडियो का थंबनेल कैसा लगा कमेंट कर देना। फिलहाल वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया है तो मैं और भी दो वीडियो रेकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो दो वीडियो है इसी वीडियो की तरह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही मज़ेदार है, तो आप लोग वो दो वीडियो भी देख सकते हो, आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आपसे वहीं पर मिलते हैं, बाय बाय।